नेपाली मन मन को आवाज हो यो रेडियो सांदी 96.4 रेडियो सांदी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक संध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। कार्यक्रम सवाल जवाब अपने हरेक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक सुनते आ रहा बने। कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सर। कार्यक्रम सवाल जवाब अपने रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज के तरंग मार्फत और साथ ही साथ रेडियो सानबी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से ये कार्यक्रम अपने लाइव सुने। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस अगाड़ी बढ़ाओ से पहले आज से बड़ा दशहीं के पहल का दिन अर्थात घट स्थापना के दिन आज से शक्तिपीठ सब में पूजा आजा करके विधिवत रूप से दशहरा शुरू भइल बाटे। और सबसे पहले रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज सुन रहल अपने तमाम श्रोता वर्ग में बड़ा दशहीं के हार्दिक शुभकामना बाटे। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस के अगाड़ी बढ़ावे के चैम्सन और आज के बहस में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के युवा नेता एवं प्रखर वक्ता बानी विपिन यादव जी, वहां से हमने के बहस के अगाड़ी बढ़ाएं। सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस में स्वागत करके चाहे विपिन जी के। विपिन जी स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने के कहना कि दशहरा के अवसर पर ढेर सारा शुभकामना बांटे अपने के यूनिट के और हमने के दशहीं दीपावली के अग्रिम बहुत बहुत शुभकामना बा। दुर्गा माँ अपने लोग के शक्ति दी, देश में शांति समृद्धि अमन चैन के कायम करी, एक बहुत सारा सारा शुभकामना। विपिन सर, विपिन यादव एगो ऐसा नाम, एगो ऐसा वक्ता आजकल अपने के आवाज अपने के भाषण बहुत कम मिल रहा बाटे, कहाँ गायब बानी अपने? ये थोड़ा काम व्यस्तता बा, अभी वही हिसाब से गांव में थोड़ा समय देता नहीं। अब नगर पालिके में अपन बहुधर माई नगर पालिके अंतर्गत में जी, उसे थोड़ा अधिकतर समय अभी गांव में तरफ दे रहा बनी, उसे उन्हें समय नहीं मिले सकता जी। तो हमने के प्रसंग के बदले में सन स्थानीय तो हमें भी आयम सन, लेकिन सबसे पहले अपने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के एगो कहीं ना कि जे युवा जुझारू नेता बानी, प्रखर वक्ता बानी, ना डरा के बोले वाला व्यक्ति भी बानी। खास करके देखल जाए अभी के अवस्था में जौना किसिम से अभी एगो प्रसंग आयल बाटे, यही प्रसंग पर चर्चा पर चर्चा चल रहा बाटे, ये प्रसंग के हम जोड़े के चाहे खास करके अभी के जौन अवस्था बाटे प्रदेश नंबर 2 में और जौन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से छापा मारल गेल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, एक अपने कौन ढंग से देख रहा मानी, अच्छा एक कौन ढंग से अपने ले बानी? जौन अख्तियार द्वारा जौन छापा मारल गई बन सर जी जी, एक शैली गलत बका है। अख्तियार छानबीन करे खतरा छानबीन करो, लेकिन एगो निर्वाचित 2 नंबर प्रदेश के सरकार के प्रमुख के कार्यालय में डायरेक्ट जौन एगो छापा मार शैली से जौन छापा मरल बन, वो नीति गलत बका। अब अख्तियार ऐसा एगो स्वतंत्र निकाय उकरा जहाँ शंका लागे, जहाँ भ्रष्टाचार भइल बाटे, जहाँ अनियमितता भइल बाटे, वहाँ तो कोनो बेरा जाके वो अपन अनुसंधान प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ा सकता कि ना? बढ़ा सकता, लेकिन एगो ओकर प्रक्रिया होके चाहिए, ओकर एगो तरीका जौन तरीका बा वो गलत बा। वो मांग सकत रहे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में, वो अपन एगो मने एगो अर्जी देके चाहे कोनो एगो निवेदन देके मांग सकत रहे, अपने के हे शीर्षक में हियाँ हियाँ भ्रष्टाचारी भइल बा, ओकरा में एक बेर संबंध में होके के पड़ल कि वो ऐसा को मांग सकत रहे का। अब जैसे कि आमतौर में हल्ला बानू की जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अख्तियार के विरोध में कहीं ना कहीं जे धरना जुलूस सब मसाल जुलूस सब प्रदर्शन कैलक, कितना के उचित रहे? अख्तियार के विरोध में ना, अख्तियार के जौन रवैया जौन सिस्टम से गइल बा, उस सिस्टम के विरोध में हमने के कार्यक्रम कइली। जनता समाजवादी पार्टी वो सिस्टम के विरोध में बगा, जौन कार्यक्रम अपने कह दें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत साइकिल वितरण कार्यक्रम जो डायरेक्ट जाके जी जी
मुख्यमंत्री कार्यालय में जो छापामार शैली से छापा मरल ओकर विरोध में हम निकल बानी। वो छानबीन करे खतरे तो और ही सब तरीका तो रहे ना उकरा लगे, वो तो और तरीका से भी छानबीन कर सकत रहे जी, लेकिन जो शैली वो अपने ही लग जी उस सिस्टम का हमने विरोध में बने, जो सिस्टम से मरले बा वो सिस्टम का हमने विरोध में, अख्तियार के विरोध में ना, बल्कि ओकरा प्रक्रिया जो प्रक्रिया वो अपने ही लग अनुसंधान के उस शायद अपने लगन के नजर में गलत जी। अच्छा, और खास करके हमने के बात भी प्रसंग के जोड़नी है सन, अब थोड़ा हमने के चल जाओ अपने के स्थानीयता में, क्या कि अपने भी कहनी है कि हम स्थानीयता में भी लाग रहा मानी, ज्यादातर अपने ध्यान अपन नगर पालिका में दे ले मानी। ये चार वर्ष के अवधि बीत चुकल बाटे, पांचवा वर्ष चल रहा बाटे आर्थिक वर्ष 78-79, और अभी कहीं ना कि जे विकास के अवस्था देखल जाए अपने के पालिका में, जे वहाँ के स्थानीय सरकार के प्रमुख बाटे, का कहे के चाहे कोना ढंग से विकास भइल बाटे वहाँ? अभी देखिए हमने के जौन यहाँ बहुधर माई नगर पालिका में जी, हमने के नगर पालिका के क्षेत्रफल इतना ना कम बा बुझनी, जनसंख्या तो खैर ज्यादा बा, वीरगंज महानगर पालिका के बाद में हमने के बहुधरे माई नगर पालिका के जनसंख्या दूसरका स्थान में बा, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल इतना कम बा, जनसंख्या ज्यादा बा, लेकिन विकास के मामला में कहम तो सबसे एकदम खत्म नगर पालिका में। यहाँ विकास अभी जौन होखे के चाहिए वो हिसाब से अपने के विकास यहाँ भइले नहीं, चार वर्ष बीत गई करोड़ों करोड़ रुपया कहीं ना कहीं जे खर्चा कर देलक लोग स्थानीय सरकार प्रमुख लोग, अपने कहते नहीं विकास नहीं खे भाई, खर्च करे लायक उ लोग के कर देलक, लेकिन जहाँ विकास होखे के चाहिए जौन विकास देखे के चाहिए वो हिसाब से ना भाई। बहुदर माई नगर पालिका में चार वर्ष में अगर काम भई रही तू तो हमारा शायद लागत कि दूसर का मेयर के बहुत आसानी रही, आवे वाला मेयर के तो वहाँ काम करे के बहुत मैंने जगह न लही। अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से अपने के का नाम की आवे वाला मेयर साहब के खातिर छोड़ल गई बाटे विकास की, जे नया मेयर बन के आई करी, लेकिन कर ही नहीं खेलो सकल का काम करे खतरा कर ही नहीं खेलो सकल काम ऐसा जगह भइल। अच्छा विपिन, जहाँ विपिन जी ये जो काम के अपने बात कर रहा बने की काम होखे ना सकल, एकर कारण का है कि इतना कहीं ना कि पर्याप्त बजट भी बाटे अधिकार भी बाटे, लेकिन फिर भी विकास ना होके सकल, जौन एगो जनता के जनभावना रहे कि स्थानीय सरकार आई तो हमनी के गांव घर में विकास के एगो लहर छाई, वास्तव में विकास ना भइल एकर कारण का? देखिए का एकर कारण बा जी, वो हिसाब से लोग निर्वाचित ना भइल, देखिए जे जनता में जुड़ रहेला जे जनता के प्रतिनिधि रहेला जे जनता में हमेशा काम कइले रहेलन वैसन व्यक्ति अगर निर्वाचित होके आई तो जनता के हक हित में काम करे, कोई व्यापारी के लिए आदि कोई भू माफिया के लिए आई कोनो बड़का बड़का स्मगलर तस्कर के लिए आदे तो वो जनता के भावना के बुझ ही ना सकेला, उसे जनता के भावना के कदरे ना कर सकल, जनता के काम ना करके अपन खलती भरे वाला खाली काम वो के चलते हमने के विकास आज पीछा पड़ल बा। और जिला में तो बहुते काम भइल बन, और गाँव पालिका नगर पालिका में परसी जिला में बहुत सारा काम भइल बा, लेकिन अपने के पालिका में कहीं ना कहीं सही आदमी ना जीतला के कारण से विकास ना भइल अपने के कहना? जी जी हाँ, सही आदमी के यहाँ चयन ना भइला के चलते यहाँ के विकास एकदम पीछा में पड़ल। अब जैसे कोना एंगल से कोना ढंग से सही व्यक्ति ना, जबकि वो तो एगो जनादेश जना मत लेके जीतल व्यक्ति, जनता के मत से जीतल व्यक्ति, ओकरा कैसे गलत कह दिया जी? जनता के मत से तो जीतले बड़े, जनता के मत तो निर्वाचित तो जनता के मत से बच पड़न, लेकिन वो जनता के मत के कदर ना कर सकलन का? अपने से ये हम बात कहनी है, 60 करोड़ के बजट नगर पालिका में रहे विगत शुरुआत से, आज आके 50 करोड़ 55 करोड़ पर आ गई बा, आधा पैसा अपने के प्रशासनिक खर्चा में बा, आज स्थानीय निकाय के इतना पावर गवर्नमेंट दे दिल बा कि अब एगो ऊपर संघीय सरकार बा कि एगो अपने के स्थानीय सरकार पावरफुल सरकार जी जी, जौन अपन नीति नियम बना के कानून बना के भी काम कर सकता है, अपने के न्यायिक समिति व स्थानीय निकाय में आज तक नहीं है, एगो स्थानीय निकाय में न्यायिक समिति ना बन सकल, एगो पंचायती एगो कोनो मुद्दा छूट यहाँ नगर पालिका में ना होके सकल, अपने के इतना पावरफुल अधिकार देला के बावजूद भी छोट छोट जनता के जौन सेवा में पहुंच होखे वाला बा वैसन वैसन काम हमनी के यहाँ नहीं होके सकल। जितना अपने के कहनी है जनता से निर्वाचित आदमी बढ़ जनता के मत के बुझे के चाहिए, जनता यहाँ कौन विकास चाहता, यहाँ का करावे के चाहता, वो हिसाब से काम करवाओ के चाहिए,
तो उनका जहाँ लोकल कमीशन आज जाए 50-60 लाख रुपया भैंसी पालन में ही आई रहे जी बहुदरे माई नगर पालिका में, लेकिन एको आदमी के भैंसी नहीं क्या मिलल, लेकिन भरपाई लगे पू गई पैसा सब कहाँ चल गए का विकास हो। अच्छा, ये विकास ना होके के कारण में हम जुड़े के चाहे कुछ प्रसंग अपने लगन तो वहाँ के कहीं ना कहीं एगो विपक्षी बानी छाया सरकार बानी अपने लगन अपन दायित्व अच्छा से निभैनी। हमनी के देखिए हमनी के जौना दायित्व में जनता रख दलक वो अनुसार से तो हमनी अपन लागले बानी। अगर एगो विपक्ष चाहे तो सत्ता पक्ष के बहुत कुछ कर दिला, सत्ता पक्ष के कहीं ना कहीं सही ट्रेक में ले आओगे काम विपक्ष दल के होला, लेकिन अपने लगन भी तो अपन कहीं ना कहीं काम कर्तव्य भुला गई नी। अब चुनाव आयल तो फलानवा विकास ना कैलक चिलनवा विकास ना कैलक। देखिए एकरा खतरा हमने निरंतर लागले बानी, हमने के बार बार नगर पालिको में कोनो ना कोनो माध्यम से वहां से भी हमने के संघर्ष में बानी, कबो सूचना मांगे चाहे कुछ इसम तरह पर हमने के बार बार मने वहां अपन प्रयास में हमने बढ़ले बानी। ओकरा बाद में हमने के ना कहनी अपने के जौना जौना हिसाब से हमने के मत दलक जी वो हिसाब से हमने सीमित हो गई नहीं, लेकिन हमने तब जनता में ये आवाज उठा सके, जनता में हर जगह जहाँ हमने के कार्यक्रम होता वहाँ इस चीज के हमने उठाओ थे जी जी, चाहे नगर पालिका में जाके हमने खोजा था नहीं सर, लेकिन अपने के इन नगर पालिका के अपने के मालूम हुई लोग सूचना मांगे जाला तो ओकरा पर मुद्दा दर्ता हो जाए जी। मैंने एगो अपने से हम शुरू में कहनी है राजनीतिक पोलिटिक्स व्यक्ति रही न तो दूसरों पोलिटिक्स करे वाला व्यक्ति पक्ष वाला चाहे विपक्ष वाला हुई ओकरा संगे वार्ता करी ओकरा संगे डिस्कर्स करी, लेकिन यहाँ तो वो डिस्कर्सो करे वाला नहीं है। यहाँ अपने नगर पालिका में जाए तो कोई ना मेयर भेटाई ना कोई कार्यकारिणी भेटाई ना कोई उप मेयर भेटाई केकरा से बात कर, अब तो ओकरा घर में तो जाके ना बात करल जाए, ओकर तो उ लोग के तो क्वार्टर में उ लोग के घर में जाके ना बात कर, ऑफिस में बैठी लो तबे ना बात होई जी। अच्छा विपिन जी, ये बताई हमने के समग्र रूप में कहने से कि विकास नहीं खेप, अगर कहीं हमने के शाखा वाइज चलल जाता क्षेत्र वाइज चलल जाए शिक्षा में कैसन विकास भेल बा स्वास्थ्य में कितना के विकास भेल बाटे, एकरा बारे में एगो विपक्षी दल के हैसियत से वहाँ के छाया सरकार के हैसियत से अपने के का लागत कि शिक्षा में जौना किस्म से विकास होके के चाहे, जैसे खास करके देखल जाए हमने के मदेश के जौन सामुदायिक विद्यालय सब के शिक्षा के जौन गुणस्तर बाटे दिनादोन दिन घटते जा रहल बाटे और निजी विद्यालय प्रति अभिभावक लोग के एगो अपेक्षा बढ़ते जा रहल बाटे, ऐसन अवस्था में आम जनता के जौन चाहना रहे कि शिक्षा में भी सुधार होई वैसन अपने महसूस कैनी चाहे अपने के पालिका के जनता महसूस कर रहल बाटे? ना बिल्कुल ही महसूस नहीं कर अपने के उगा शुरू में जितना पावर यहाँ मिलल बन सर शिक्षा के स्वास्थ्य के कृषि के तीनों चीज के तो नगर पालिका में संघीय सरकार दिलन बन मेयर के बोर्ड के अपन नेतृत्व से कहाँ शिक्षक के कमी बा कहाँ भवन बनावे के बा कहाँ का करे भाई पूर्ण अधिकार बा, लेकिन पहले भी जौन स्थिति रहे नु जौन अपने के डायरेक्ट शिक्षा कार्यालय देख देवे कृषि कार्यालय देख देवे कृषि के वो स्थिति से भी आज बुरा स्थिति बा का हमनी के नगर पालिका में हम देखत नहीं, और जगह तो हम नहीं देखत, लेकिन अब जहाँ हमने बैठल बनी जहाँ राजनीतिक और टेंशन हुआ देखत नहीं, लेकिन वो स्थिति से भी आज बुरा स्थिति बा जाए ना स्कूल में कोनो स्कूल बहुदर माई के नगर पालिका के नहीं है मैंने नगर पालिका भर में जो वहाँ 50 लाख रुपया दे के कोनो स्कूल के बिल्डिंग बनवा देने हुई नगर पालिका, आज वो अपने के यहाँ हमेशा विद्यार्थी के आंदोलन अपने जी जी बहुदर माई यही चीज हम जोड़े के चाहत रहनी है कि अपने की एगो पालिका ऐसा पालिका बाटे जहाँ कहीं ना कहीं विद्यार्थी लोग अपन हक अधिकार के खातिर आंदोलन करे के पड़ता है। जी जी अपने के बहुदर माई नगर पालिका के बहुवरीय स्कूल बा प्लस टू बा अपने के एगो भंगी सा उच्च माध्यमिक अपने के विश्रामपुर में बा एगो प्लस टू बा, लेकिन दोनों जगह के लड़का आंदोलन कैलक शिक्षक खतरा अपने के नगरदाहा जोन हमनी के मेयर साहब के गांव के वही लोग के परिवार के बनावल स्कूल बा वहाँ के लड़का भी आके आंदोलन कैलक, बताइए अवस्था में हमनी के शिक्षा बा आज मेयर आ जनता के चाहे कथी जी शिक्षा स्वास्थ्य आ रोजगार के व्यवस्था कर देवल हम तो और कौन विकास के तो जरूरी नहीं है जी। जी शिक्षा में अगर बढ़िया से लगानी लगा दिया जितना पावर हमनी के नगर पालिका के मिलल बा शिक्षा में अगर हमने सुधार कर दी स्वास्थ्य में सुधार कर दी कृषि में सुधार कर दी तो हमनी के तो बहुत बेनिफिट हो सकता है, हमनी के तो जनता ही है बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अभी जे जितना भी जनप्रतिनिधि लोग जीतल वानी वहाँ लोग के तो प्रमुख प्राथमिकता में कहीं ना कहीं जे सड़क बाटे नाला बाटे ग्रेवल बाटे ढलान बाटे तो शिक्षा स्वास्थ्य के विकास के जरूरी तरह वहाँ लोग के नहीं नजर में आओ जी। अब वो में से क्या बस देखिए अब ग्रेवल गिराई तक कमीशन आई
सड़क में देखिए सड़क में हम गेरेबल गिराए तो कमीशन आई, एक सड़क में अगर तीन बेर गेरेबल करे मुँह से हमारा दू पैसा आई। अब स्वास्थ्य शिक्षा में लगानी लगाए तो हमारा वहां से तो कमीशन तो ना आई। ये लोग खाली कमीशन के खेल में बझल बा। अच्छा एक प्रति कहीं ना कि अब जैसे अपने लगन विपक्षी दल के नेता मानी लगन वैसे ही आम जनता ये दोनों जने के हम एगो बात कहे के चाहे कि जितना अपने आरोप लगा रहल मनी चाहे जनता लोग जमना किसिम से एगो सक्रियता देखावे के चाहे कि हर समय में हमनी के कहे ना विकास भइल, अगर वैसन किसिम के अगर जनता सक्रियता देखैले रही तो आज ये दिन देखे के पड़ी तो अपने के लागत है आज तो दिन देखे के ना मिली, लेकिन जनता एक परिमाण से दिखाई जोन आज जोना हिसाब से यहाँ काम भइल बा चाहे विकास भइल बा तो जनता तो सर्वोपरि पावरफुल हो खेला, वो तो समय के इंतजार में बा, वो तो समय में जरूरे परिवर्तन कर दी। जी जी समय पर तो परिवर्तन कर दी, लेकिन जनता परिवर्तन करे वाला कहाँ बैठे, जब चुनाव आवेला तो वह पैसा पर बेचाए वाला जनता दारू मांस पर कहीं ना कहीं जो कुछ लोग ऐसा वर्ग बाटे जो अभी तक भी वैसा नहीं करेला कि वोट के समय में कहीं ना कहीं चेंज होते रह, अब वो लोग से क्या अपेक्षा लेहल जा सकता, ठीक है जो लोग समाज के सुधार कर सकता चाहे जे गलत काम कैले बाटे काम करे नहीं के सकल जौना किसिम से वो लोग के हक अधिकार देहल गई रहे जौना किसिम से पावर देहल गई रहे अपना पावर के ना समझलक फिर वही सन की लोग के कहीं ले याद लग देखिए जनता बहुत अधिकतर लोग नहीं खे दारू मास में बिकाए वाला बुझने जी बहुत कम लोग बाबू दारू मास में बिकाए और दारू मास में बिके वाला किने वाला लोग हमने मैंने नेतृत्व वर्ग राजनीति के करे वाला लोग जौन अपने गोड़ में अपने टांगी मार सका दारू मास में हमनी एक जैसा नेता मैंने हमनी एक के नेतृत्व जो करता राजनीति करता वह लोग दारू मास में कुछ लोग भूलिया जी जी ना तो जनता अब बहुत सजग बा, जनता बुझता जे अब एक दिन के दारू मास खैला से हम पांच वर्ष इनकर गुलाम बन के ना रहे जरूरे पांच वर्ष में चेंज कर, बहुत ऐसा कम लोग बा जो दारू मास में भुला जाए सीमित वर्ग बाटे जे अभी भी कहीं ना कहीं जी कितनो बढ़िया सिस्टम आ जाए चाहे कितनो परिवर्तन आ जाए लेकिन कुछ वर्ग ऐसा रहेला वो बदले ना सकेला चाहे अपने के बदले के ना चाहेला। अभी के अवस्था में देखल जाए बिपिन जी खास करके जो चुनावी खर्चा बाटे ये चुनावी इतना ना महंगाई हो जा रहा बाटे कि अपने लगन ऐसा एगो नेता के चुनाव लड़े में कितना के सकस हुई, लेकिन समस्या तो बहुत है बा। अब एक और समस्या का हो जाता है और चुनाव में देखिए अपने तो अब का हो गया ठेकेदार दलाल आ बड़का बड़का व्यापारी तस्वर स्मगलर जे आके खड़ा हो जाता ना वो एक और भरम फैला रहा बा चुनाव के समय में। जी जी कहता का जे पैसा कोई उम्मीदवार बड़ा अच्छा राजनीतिक कैडर बा वो कहला के पैसा नहीं है तो वो चुनाव लड़े के जनता में भी थोड़ा सा नजरिया थोड़ा भरम फैला देता के वो आदमी लगे तो पैसा नहीं है मैंने पैसा नहीं है वो आदमी लगे हई आदमी लगे पैसा बा भले राजनीति के क्वालिटी ओकरा में बात चाहे नहीं है अपने लोग अभी बीतल चुनाव में भी देखल बानी चाहे अपने लोग भी बेसी अनुभव हो गई एक बारे में राजनीति के वो रो अक्षर ना जाना थोके लेकिन ओकरा लगे पैसा बा वैसे पात्र लोग आयल बाटे ये तो बात सही बाटे मैंने ओकरा लगे पैसा बा तो नेता बा लेकिन वैसा नेता के हमनी बनावत रही लोग जनता भी है चाहे हमनी के नेते लोग वैसा नेता के हमनी बनाए थे जिंदगी भर जे आदमी संघर्ष करता राजनीतिक में लागल बा ओकरा के छोड़ तनी कोनो पैसा वाला आदमी के आगे बढ़ाए तनी जवना के नतीजा जन काम नहीं के कर सकत पार्टी में भी बदनामी होता आ जनता के भी काम नहीं के कर सकत आ बढ़िया आदमी के हमनी के चयन नहीं किसन कर सकत अच्छा आदमी चाह के भी चुनाव लड़ता तो ओकरा के हमनी चयन नहीं किसन कर सकत प्रजातंत्र लोकतंत्र में पार्टी के जवन सिस्टम बा स्थानीय निकाय में जी पार्टी के सिस्टम के चलते अच्छा आदमी के हमनी के चयन नहीं है ओकर सकत जोन की स्थानीय निकाय में पार्टी के चुनावे ना होके चाहिए कि तो व्यक्ति विशेष पर होके चाहिए जे जनता में रह होके जे जनता खतरा काम कर होके जे समाज से भी वहाँ के आदमी होके अब पार्टी लोकतंत्र में कहीं से उम्मीदवार लिया के थूप देता तो लोग बुझेता है हमर पार्टी के हम एक जीता वो जीतला के चलते हमने के यहाँ विकास नहीं है ओकर सकत ये अपने के बात एकदम सत्य बा लेकिन यहाँ स्थानीय चुनाव वास्तव में पार्टी विशेष पर ना होके चाहिए व्यक्ति विशेष पर हो तो जनता भी सही उम्मीदवार के चयन करे यदि स्थानीय तो हमें कहीं ना कि खास करके व्यक्ति विशेष अनुसार से अगर आम जनता चुनता अपन नेता के तो अभी के जौन विकृति अभी के जौन कहीं ना कि जे गलत काम सब देखल गई बाटे
आवेला दिन में वैसा किस्म से ना हो, लेकिन ना। सिस्टम हमने वैसा के बाटे पार्टी के तह तो जाए के परी, पार्टी के नीचे तो झंडा लेके जाही के परी। जनता भी अब देखल जाओ चुनाव में ऐसा ऐसा अपने भी कहानी है कि जे ठेकेदार लोग आ जाता चाहे पैसा वाला लोग आ जाता ओकरा के टिकट दे देता पार्टी, जिकरा कारण से जे सदियों से राजनीति में अपन जिंदगी गुजार दलक ओकरा अभी चुनाव जीते में कहीं ना कहीं सोचे के पड़त। जी जी बहुत मुश्किल सकस बा एकदम सकस। अब ऐसा अवस्था में आम जे नेता बाटे जिकरा लगे पैसा नहीं है लेकिन ओकरा मन में तमन्ना बाटे, ओकरा मन में एगो सोच बाटे कि हम जनता के सेवा करी एगो जनप्रतिनिधि के हैसियत से, वो लोग कैसे आगे बढ़ी था? देखिए यो जब कोनो चीज के जब एकदम हाईएस्ट होखला नो तो ओकर अंत होखला ना। जी जेंगे अभी के जोन माहौल रही 5-10 बरस से जे चलल अब एकर अंत होई, अब एकर अंत के भी अब आवेला दिन में एकर अंत लौकता का। जी जी जब एक अंत हो तबे संघर्षशील आदमी आगे आई, एक दिन जनता अपने से उपाक जाई, चाहे नेता लोग के भी एक महसूस हो जाता जे व्यापारी के चाहे कोनो तस्कर के स्मगलर के हमने दे के दिखाओ तनी तो कितना कारगर होता लोग, वो लोग के भी अब महसूस होता तो उसे बाध्य होके उन लोग के संघर्षशील आदमी के राजनीति के कैडर के बिहान के दिन में अपनावे के पड़ी तबे जाके सुधार। जी विपिन जी, अब जैसे कि अभी के अवस्था में देखल जाए हर एक पार्टी अपन अपन संगठन विस्तार के काम में लाग रहल बाटे, जोड़ तोड़ के साथ कहीं ना कि स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके खास करके पार्टी लोग अपन अपन संगठन जोड़े में लाग रहल बाटे। अपने लगन के पार्टी जोड़े वाला काम कैसे आगे बढ़ रहल बाटे, कहाँ तक पहुँचल बा? हमनी के पार्टी में तो अभी हमनी के सूझ अभियान को आके आयल बा संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरण करे वाला कार्यक्रम के तहत हम कार्यक्रम शुरू बा। यानी कि विभाजन के अभी जोन घाव रहे ओकरे के धोवा तनी लगन अभी तो विभाजन देखी पहले भी अपने के मालूम है हुई राजपा आप थोड़ा अलग अलग दू गो पार्टी न रहे, समाजवादी पार्टी हमनी के रहे आ राष्ट्रीय जनता पार्टी रहे तो बीच में हमनी के एकीकरण भई रहे। जी जी लेकिन अब कोनो प्राविधिक कठिनाई कहीं जमुना के चलते फिर दू भाग में हो गए। जी जी तो हमनी में से तो फूट के लोग तो नहीं गए वो मने लोकतांत्रिक जसपा के संगे। जी जी लोकतांत्रिक लोग हमनी के संगे बात तो लेकिन कुछ लोग अपनो हो लगन में से गइल बाटे लेकिन हमनी में से लोग नहीं खे गए बुझनी, चाहे जिला में देखी चाहे केंद्र में देखी चाहे प्रदेश में देखी अधिकतर लोग वही में से हमनी के साथ में बात। लेकिन अपनो लगन के अपनो लगन में से लोग गइल बाटे, अब जैसे अपने लगन में से प्रदेश सांसद लोग चल गइल बाटे, गांव पालिका के उप अध्यक्ष जी लोग चल गइल बाटे, अब कुछ लोग देखिए अब कुछ लोग अपन सेफ के हिसाब से इधर ने एनएस उन्हें गोइल बनो। जी लेकिन अब एक आदमी गोइल बा तो 5 आदमी जरूर उन्हें से आ गई बा तो हमनी के संगठन तो जोन रहे तो एकदम बरकरार बा, समाजवादी पार्टी के संगठन जोन पहले रहे ओकरा से फूट से बरू आज के दिन में पहले के स्थिति से बहुत मजबूत बा। प्रभाव पड़ल बा कि ना जनता समाजवादी पार्टी जोन विभाजन भइल और अभी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनल बाटे, एक प्रभाव जनता समाजवादी पार्टी पर कितना अपने महसूस कर रहा बानी? एगो कहीं ना कहीं काहे कि अपने स्थानीय तह में स्थानीय तह के एकदम कहीं ना कहीं जुझारू नेता बानी, लागल बानी, सक्रिय बानी, कैसन अपने के आभास हो रहा बाटे, कितना के प्रभाव पड़ रहा बाटे? जनता के मन का बात मधेश में मधेशी जनता के मन रहे जी पार्टी एक को के चल। जी जी दू गो चार गो मधेशवादी दल मत हो एकजुट होके एगो रहो जनता में ही रहे का अभी नो भी एक हो जाए लोग तो लोग बहुत मने मजबूत रहे पार्टी, अगर दोनों एक हो जाए तो बहुत मजबूत। जी जी जनता के नजर में ये बात है पार्टी एकीकरण हो जाओ, पार्टी मधेश में एक गो रहो, लेकिन अब ना कहीं अपने से प्राविधिक कठिनाई के अनुसार से कबो कबो अपन अपन अब समय बदलत रहला, कबो पार्टी फूट जाता, पहले 10-12 मधेशवादी पार्टी रहे ओकरा बाद में अपने के 2 रहे फिर एगो हो गए फिर आज 2 हो गए फिर ना और लोग खुल बा पार्टी। लेकिन बिपिन जी कुछ लोग के कहीं ना कि जो विश्लेषण बाटे कि जितना भी मधेशवादी दल लोग बाटे आकांक्षी लोग चुनाव में लड़े वाला इतना ना हो गए कि स्थानीय तह के निर्वाचन आवत आवत हर एक पार्टी फूट जाता, आ जब उ लोग के चुनाव आवता प्रदेश प्रदेश के और संघ के तो उ लोग गठबंधन करके एक हो जाता। जी जी प्रति अपने के क्या कहे के चाहे? अब देखिए वो तो अपने के जैसा कि ये लोग गठबंधन कैलक लोग तो ओकर फायदा तो मिलल हमने के 2 नंबर प्रदेश एकदम मिलल एकदम मिलल, गठबंधन के तो फायदा जरूर मिलल, चाहे हमने के तराई में 2 नंबर प्रदेश में हमने के बहुत ज्यादा सांसद सीट भी जीतल ना। जी जी
लेकिन अब पार्टी के मेन अब स्थानीय से उन लोगों को कौन नहीं कर रहा, अब सांसद विधायक से सरकार बनावे के बाद गिरावे के बाद उससे ऊपर ओकरा बिरिया उन लोग में एक मत हो जाता, लेकिन स्थानीय चुनाव के बेरा अब वो बड़ा हमने के जसपा राजपा में एकीकरण ना होके सकर है, लेकिन बाद में एकीकरण भल तो बेनिफिट मिलल तो ये चीज हमने के नेता लोग के भी महसूस करे के चाहिए, हमने के चाह के भी चाहे सन ये खो जाओ लोग तो ना हो लो, हमने चाहे सन फूट जाओ लोग तब ना फूट सकता लोग, लेकिन विगत के दिन में जो घटनाक्रम भल बा उसे देख के लोग समझे के चाहिए बुझे के चाहिए, आ एक कह के जहाँ तक कहनी अनु बेसी आदमी आकांक्षी हो गई बा चुनाव के जी एकर एक कारण बा स्वार्थ हो गई बा, आ सामूहिक नेतृत्व जब हो जाए मानी जब हमी दस आदमी बानी एक संगे एक आदमी कोई मेयर बनी आ जनता के हक हित में हमारा काम करे के बा तो उसमें हर आदमी के आकांक्षा ना बढ़ी, लेकिन का हो गई बनू अब यथार्थ बात अपने से कहाइए जाता कि लोभ हो गई लोग अपन आर्थिक लोभ के चलते राजनीतिक स्वार्थ से भी ज्यादा यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भइले के कारण से जी न तो जनता नेता के मतलब है जनता के सेवा करे के जनता के प्रतिनिधि के मतलब है जनता के सेवा करे के जी जी यहाँ तो आर्थिक लोभ चाहे व्यक्तिगत अपन लोभ के चलते लोग बहुत लोग में अपन आकांक्षी बढ़ जाता लोग न तो हम अपने से ना कहने सामूहिक नेतृत्व रही हमने दस आदमी बानी एक आदमी हमारे यहाँ मेयर के चुनाव एक आदमी लड़े वाला बा एक आदमी के हम सहयोग करें जनता के हक हित में काम करवाए तो उसमें कोनो किस्म के हमने के विभेद ना हुई जैसा लागत हमारा। विपिन जी अब जैसे कि देखा जाए विगत के स्थानीय तो के निर्वाचन के हमने के बात कर जाओ और अभी जोन होखे वाला आगामी निर्वाचन बाटे ये दोनों के अगर तुलना कर जाए तो तुलनात्मक रूप में आगामी निर्वाचन कितना के संघर्षमय रही। अब देखिए आगामी चुनाव में तो स्थानीय चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ी बुझली संघर्ष रही रूप से संघर्ष रही व्यक्तिगत रूप से भी जनता कुछ स्थानीय चुनाव में देख के भी मतदान करी क्योंकि पहले जो नया सिस्टम आयल ये स्थानीय तो के वो बेरा तो बहुत लोग अनभिज्ञ रहे बहुत लोग के सिस्टम था ना रहे जे इतना सारा कहीं ना कि जे एक अधिकार सब बाटे काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र के इतना लंबा बाटे लेकिन अब सब जानकारी भइला के बाद के जो चुनाव आवे वाला बाटे तो हम बात करते हैं कि जे ओकर रास्ता आवे वाला दिन के जो चुनावी जो एगो दंगल ना होला वो दंगल कितना के कहीं ना कि संघर्षमय रहे। अब तो अवघन कहने पहले तो ना बुझल रहे लोग लेकिन अब तो बहुत कुछ बुझल बा लोग देखिए जे जीतल बा ना जे गांव पालिका स्तर में जीतल चाहे ओकरा उस चीज के और बुझावे के चाहिए जवना के ना बुझा सकल अपने से ना कहनी जे आज तक में लोग है अपने के जैसे कि शिक्षक के हमने के नगर पालिका चाहे गाँव पालिका जवना अंतर्गत पड़ता वही में पड़ता लेकिन आज तक लोग वहाँ के जनता बहुते बाजे नहीं जान सकत जो शिक्षक के शिक्षा हमने के ये नगर पालिका में पड़ता मतलब बहुत ऐसा चीज बा जो बुझावे नहीं लोग सकत ये लोग बुझेबे ना कैलक आ जनता बुझबे ना कैलक कुछ लोग तो बुझ गए जी जी जे लोग पढ़ल लिखल थोड़ा वो सब में लागल बा ओकरा तो समझ में आ गई जो हमने के शिक्षा के काम नगर पालिके कर दी कृषि के जितना कारोबार बा नगर पालिके करी अपने के स्वास्थ्य के काम बा पूरा नगर पालिके करी जैसा चीज बुझ लेलक लोग लेकिन आज भी ये लोग जे जिम्मेवार बनल जेकरा के निर्वाचित जनता कहलक इस चीज के और ये लोग फोकस करे के चाहिए का जमना के फोकस ना कर सकल ये लोग पहले के जगह जिला विकास रहे बजट चलावे वही हिसाब से ये लोग बुझ लेलक हमने के खाली एगो बजट चलावे ला बानी बताई ना न्यायिक अधिकार जो ना गाँव पालिका नगर पालिका के दे दिलक संघीय सरकार जे छोट मोट मुद्दा होके तो यही से फाइनल कर सके के आज एगो हम कितना मुद्दा अपने के पालिका में फाइनल भइल होई एको गो ना भइल होई अपने के पारसा जिला में आज देखी तो कहीं बहुत ऐसा 14 गो में हमारा बुझाता जे 10 गो गाँव पालिका न्यायिक समिति बना के एको गो मुद्दा के छीनो फानो ना कैल होई जबकि अपने कहानी ना शुरू में जे सिंह दरबार के अधिकार गांव गांव में आई जी जी लेकिन एकरा के हमने के फॉलोवे ना कर सकल जे निर्वाचित भइल ओकरा तक एकरा के लागू करे के चाहिए जवन चीज के लोग लागू ना जहाँ के जनता के तो कोनो चीज के महसूस ना भइल जी। अभी खास करके देखा जाए कि विगत के जौन भी कमी कमजोरी बाटे ई कमी कमजोरी के दूर भगाओ के खातिर और वास्तव में जौन आम जनता के चाहना रहे कि सिंह दरबार के हक अधिकार जनता के घर घर में होको जनता के कहीं ना कि दुआरे दुआरे विकास होको ये चीज संभव बा कि ना बाटे चीज संभव बा जी कैसे संभव होई वो बतावल जाओ चीज संभव बा आप देखी ना अपने के ना कहने जौन पूर्ण अधिकार है हमने के गांव पालिका नगर पालिका में मिला हमने के जनता के यहाँ कथी चाहिए जनता का हमने के अपने शिक्षा चाहिए जी ओकर स्वास्थ्य चाहिए
ओकर हमनी के तराई में तो खास करके सारा लोग कृषि पर आधारित बाटे जी, पूरा लोग कृषि पर आधारित बा, तो ओकरा के कृषि के हमनी के सहयोग कर देवे के चाहिए। कहाँ बीउ बीजन के व्यवस्था बाज अपने देखतनी, अपने जिम्मेवारे लोग के एकरा के प्रस्तुत होके के चाहिए। यार समय में जवना बेरा बाली निकले के भइलो ओबरा खाद के हाहाकार मच गए, समय पर बीया ना मिलेला हमरा जी। अब जब समय पर बीया ना मिलेला आ जब हमरा के अधिकार देले बा संघीय सरकार, तो जे मेयर हो चाहे गांव पालिका अध्यक्ष हो चाहे, तो अपन नगर पालिका भर में चाहे गांव पालिका भर में कितना क्विंटल मोल लगता, कितना क्विंटल अपने के बीया लगता, इस सारा चीज को चाहे तो स्टॉक करके रख के 10 आदमी के रोजगार भी दे सकता, जनता के सुविधा भी दे सकता, उतना पावर तो ओकरा लगे बा जी जी। लेकिन ये लोग फॉलो नहीं के कर सकत अपने अधिकार के, अधिकार तो ये लोग दे बा लेकिन अधिकार पर ये लोग काम नहीं के कर सकत, का ये लोग खरा उतरे नहीं के सकत, जमुना के चलते जनता के आज परेशानी बा। आज अपने कौन ये कोविड वाला बीमारी आई लोग जी जी, आज हर नगर पालिका में हमारा बुझा तो कौन सन गाँव पालिका नगर पालिका ना आई जो करोड़ों रुपया खर्च कैल महामारी के नाम, महामारी के नाम पर जी, लेकिन जनता के तक लग तो ना पहुंचल सुविधा, लेकिन यह बिल भरपाई तो बना के तो अधिकार में यह मिलल बा, लेकिन ओकरा के हमनी प्रयोग नहीं खेलो करत, ओकरा के दोसर हिसाब से प्रयोग करके जनता के हक हित के मारल जाता का जी। तो जहां ऐसा किस्म के गतिविधि बाटे, रवैया बाटे, ये रवैया के बदले के खाते का करे के परी आम जनता के, आम जनता के स्थानीय हमनी के संघीय सरकार में बहुत कम काम पड़ेला, आम जनता के चाहे प्रदेश में बहुत कम काम पड़ेला, हमनी के जनता के यहाँ बुझे के पड़ी, चाहे जिम्मेवार जो राजनीतिको करता लोग बा ओकरा के बुझाव के पड़ी ईमानदारी के साथ, जे जन्मत तानी सन तब से लेके जी जी आ मरत तानी सन तब तक ले हमनी के सारा कारोबार यही नगर पालिका में बा, वार्ड से लेके जिला, वार्ड से लेके अपने के नगर पालिका गाँव पालिका तक ले, मरम जन्म मतनी संत जन्म दार्ता होता, मरत तनी संत मृत्यु दार्ता होता, तो पूर्ण अधिकार हमनी के इहे बा, तो एगो स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता के हम जिताव जाम, जवन इस सारा चीज के कार्यान्वयन करे आ बुद्धिजीवी आदमी के पढ़ल लिखल आदमी के एकदम जवन जाने बुझे आ सब चीज के कार्यान्वयन करे, वैसन आदमी के मतदान दे के अपन आ अपन जनता तो जरा के प्रतिनिधि बनावता, वो तो जनता के गुलाम न हो, वो तो राजा बन जता न, हम जिताए थे तो राजा बनता, तनसा बन जता, आज कोई एगो जाता एगो मांगे खतर अपने के सूचना के हक तो ओकरा के माने मुद्दा चला देता, कुछ कर देता, जनता के सेवक लोग कहीं ना कहीं शासक बन जाता है, जनता के सेवा करे के चाहिए तो शासक बन जाता का जी। तो हमने के समय में जनता भाई लोग सोचे के चाहिए ना, तो एक दिन के मत देला से 5 बरस पछताए के पड़ता, बरू वो बेरा समय सोच समझ के जे जनता के हक हित में काम करे वाला बा, कोई के काखा पाखा लगावे वाला नहीं के, पार्टी साथी देखे वाला नहीं के, स्थानीय निकाय के जेकरा के प्रतिनिधि हम चयन करतनी उ तो कौन पार्टियों के खाली हम कांग्रेस कही तो कांग्रेस के करम, यहाँ तो ईसन का पर पार्टी बा जी जी, जे एमाले से जीतल बा तो हम एमाले ही के करम, जबकि जे निर्वाचित होकेला वहाँ के जितना जनता बा, जैसे कि बहुदर मई नगर पालिका में अपने के 20,000 जनता बा, वो कोनो ना कोनो पार्टी में तो जुटल बा, लेकिन जे निर्वाचित हो गई ओकरा इस चीज के बुझे के पड़ल जो सारा आदमी हमार हो, हम ओकरा हक हित में काम करें, विभेद क के काम ना करें, वैसन आदमी के जनता लोग के समझ के अब मतदान करी तबे जाके पर पार्टी के बदली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर, इतना व्यवस्था के बावजूद भी समय देनी, एकरा ला बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के युवा नेता विपिन यादव जी से हमनी के बहस और छलफल केनी सन। कार्यक्रम सुन के साथ देनी एकरा अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे, विशेष धन्यवाद हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक और मोबाइल फोन सेट तक पुगाव में प्राविधिक ओर से साथ देनी प्राविधिक मित्र कृष्ण यादव जी के, और कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी, प्रणाम।